अलीगढ़ से ये बेहद हैरान कर देने वाला और शर्मनाक मामला है। दशकों पहले जब मासूम ने 2.5 साल की उम्र में पिता को खोया तो मां ने दूसरी शादी कर ली। मां जब बेटी को लेकर घर पहुंची तो सौतेले चाचा ने जुल्म की इंतहा कर दी और 7 साल की उम्र में पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ 11 साल की उम्र से लेकर उसकी शादी होने तक लगातार दुष्कर्म होता रहा। विरोध करने पर उसे डराया धमकाया गया। परेशान पत्नी से जब पति ने इस बारे में पूछा तो उसने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मुझे बताया कि मेरे जो घर पे है वो माहौल अच्छा नहीं है। मैं इसको बोलता था, जैसे कभी इसके घर से फ़ोन आता था कि आ जाओ, मतलब तो जाओ यार घूम के आओ, पास में है, सैटरडे संडे चले जाया करो, तो ये मना करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये इस वजह से मना करती है। फिर एक बार इसने अचानक से बताया मुझे, मैं बोला क्या हो गया, परेशान थी घर से आई थी, तो इसने बोला मुझे कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। मैंने क्यों ऐसे क्यों होता है, तुम्हारे चाचा हैं? बोले नहीं। फिर इसने पूरी घटना बताई कि बचपन से इन लोगों ने किस तरह से इसका शोषण किया। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें महिला द्वारा अपने सौतेले चाचाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसने अचानक से आके मुझे बताया कि मेरे जो घर पे है वो माहौल अच्छा नहीं है। मैं इसको बोलता था, जैसे कभी इसके घर से फ़ोन आता था कि आ जाओ, मतलब जाओ यार घूम के आओ, पास में है, सैटरडे संडे चले जाया करो, तो ये मना करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये इस वजह से मना करती है। फिर एक बार इसने अचानक से बताया मुझे, मैं बोला क्या हो गया, परेशान थी घर से आई थी, तो इसने बोला मुझे कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। मैंने क्यों ऐसे क्यों होता है, तुम्हारे चाचा हैं? बोले नहीं। फिर इसने पूरी घटना बताई कि बचपन से इन लोगों ने किस तरह से इसका शोषण किया। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें महिला द्वारा अपने सौतेले चाचाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसने